नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर वीडियो, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि TDS या TCS रिटर्न की फाइलिंग कैसे की जाती है, और TCS या TDS रिटर्न की फाइलिंग करने के बाद FB फाइल जो जनरेट होती है वो कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो में। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आप देखेंगे कि TDS रिटर्न फाइलिंग ऑन NHDL आपको टाइप करना है और उसको सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद में आपको एक ऑप्शन आएगा, ETDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी RPU NHDL। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा 10 NHDL EGOB का, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अबाउट सर्विसेज फैसिलिटीज सेंसर और पब्लिकेशन, इस आपको ऑप्शन आ रहे हो जिसमें आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हो, जिसमें पांचवा ऑप्शन है ETDS ETCS RPU, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड में RPU फॉर क्वार्टरली रिटर्न, ये आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, जिसमें आपको ETDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन फॉर रेगुलर एंड करेक्शन क्वार्टरली ETDS या TCS स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल 7-8 से, ये आपको डाउनलोड RPU वर्जन, ये आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको जो फाइल में आएगा इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में TDS RPU वर्जन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको TDS RPU को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपका कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपका RPU वर्जन ओपन हो जाएगा, जो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट दिख रहा होगा फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर में आपको सेलेक्ट करना है 24Q सैलरी का होता है, अगर आप सैलरी की फाइलिंग कर रहे हैं 26Q अदर देन सैलरी, 27Q नॉन रेजिडेंट, 27EQ TCS। तो अभी हम 26Q की फाइलिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्म नंबर में हमने 26Q सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, हम कौन सी फाइलिंग कर रहे हैं, रेगुलर है या करेक्शन है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर सेलेक्ट करके हम यहाँ क्लिक टू कंटिन्यू पर जाएंगे। टू कंटिन्यू पर जाते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा फॉर्म का, जिसमें आपको फोर क्वार्टरली एंडेड में क्वार्टर सेलेक्ट करना है, किस क्वार्टर की आप फाइलिंग कर रहे हैं, और पार्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट आएगा फर्स्ट, जिसमें टैक्स डायरेक्टर कलेक्टर अकाउंट, इसमें 10 नंबर आपको फिल करना है, और 10 नंबर के बाद में फाइनेंशियल ईयर फिल करना है, और लास्ट टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर जाना है, परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, और असेसमेंट ईयर फिल करना है, और टाइप ऑफ डिडक्टर फिल करना है। ये डिटेल आप फिल करने के बाद में सेकेंड आप जाएंगे पार्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर, इसमें नेम फिल करना है डायरेक्टर का, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से है वो आता है, ब्रांच ऑफ डिवीजन में आपको फिल करना है, और स्टेट और इस फोन नंबर डिटेल और एड्रेस भी आपको फिल करना है। थर्ड में आप जाएंगे तो पार्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टर ऑफ टैक्स, इस 10 नंबर का कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल इसमें आएगी, जिसमें नेम डिजाइनेशन किस पद पर है वो, परमानेंट पैन नंबर जाएगा, फ्लैट उनका एड्रेस आएगा पूरा पिन कोड के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में, ये डिटेल इसमें फिल करने के बाद में आपको चालान पर जाना है। चालान पर आप जाएंगे तो इसमें आपको चालान की डिटेल फिल करनी है, जिसमें TDS फिल करना है, TDS के बाद में इसमें आपको BSR कोड फिल करना है, BSR कोड के बाद में डेट ऑफ दिस अमाउंट डिपॉजिटेड, किस डेट को आपने ये चालान रेमिट किया था उसकी डेट, चालान सीरियल नंबर और माइनर एड, ये आपको सारे फिल करने के बाद में ये डिटेल आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी कोई भी चालान की डिटेल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, सब सारी सही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपनी चालान की डिटेल फिल कर दी है। तो चालान की डिटेल फिल करने के बाद में हम NHDL डायरेक्टरी डिटेल पर जाएंगे। NHDL फर्स्ट डायरेक्टरी डिटेल में आप देखेंगे कि BSR कोड है और डेट ऑफ चालान की डिटेल आ रही है, फर्स्ट इसमें चालान TDS अमाउंट आ रहा है, इसमें आप देखेंगे आगे नेम ऑफ डायरेक्टरी डिटेल, नेम ऑफ डायरेक्टरी डिटेल में उसका नेम डालना है जिसके नाम पे आपने TDS काटा है, और पेन ऑफ डायरेक्टरी में आपको उनका पेन नंबर डालना है जिनका आपने TDS काटा है। तो हमने यहाँ पे सारे TDS जो भी हमने काटे हैं वो उनके नेम और पेन नंबर फिल कर दिए हैं, और डेट ऑफ इस पेमेंट क्रेडिटेड, किस डेट को आपने उनको पेमेंट किया है वो पेमेंट की डेट डालनी है, अमाउंट पेड क्रेडिटेड कितना पेमेंट किया है, और कितना आपने TDS काटा है वो फिर फिल करना है।
ये फिल करने के बाद में आपको टोटल टैक्स डिपॉजिट एट में भी वह जानना है, जिसमें आपने कितना टैक्स डिडक्टेड किया उनका, और डेट ऑफ डिडक्शन, किस डेट को आपने डिडक्शन किया है वो डेट डालनी है, और रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड में आपको रेट डालना है, किस रेट से आपने इनका TDS कट किया है वो रेट यहाँ पे आपको फिल करना है। आपकी आप सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको सेव पर जाना है। सेव पर क्लिक करते ही आपको लोकेशन देनी है, जो फाइल आपको कहाँ पे सेव करनी है वो फाइल आपको लोकेशन देने के बाद में सेव करने के बाद में ओके पर क्लिक करना है, जो कि हमारे आप देख रहे होंगे फाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली आपको दिख रहा है, ये ऐसा मैसेज आएगा, इस पर ओके पर जाना है। इस पर क्लिक ओके करते ही क्रिएट फाइल पर जाना है। क्रिएट फाइल में आप देखेंगे फर्स्ट कि एक न्यू पेज ओपन होगा, इसमें प्रोवाइड पाथ ऑफ क्रिएटिंग फाइल टेक्स्ट या FB फाइल, जो कि FB फाइल और टेक्स्ट फाइल जनरेट करने के लिए आता है। चालान इनपुट फाइल नेम ऑफ विद पाथ, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चालान इनपुट फाइल नेम विद पाथ, इसमें आपको चालान इनपुट फाइल लेनी है पाथ के साथ में, तो यहाँ पर ब्राउज करेंगे वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, CSI फाइल होती है वो चालान इनपुट फाइल। और दूसरा है एरर अपलोड एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट फाइल विद पाथ, जो आपकी स्टैटिक्स रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे लेनी है, कहाँ पे आपको इसको पाथ देना है, जो आपको FB फाइल, जहाँ पे आपको FB फाइल की लोकेशन देनी है, जहाँ पे सेव करनी है स्टैटिक्स रिपोर्ट के साथ में, यहाँ पे आपको ब्राउज करके सेव कर देना है। उसके बाद में आपको अगर करेक्शन आप करते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइल विद पाथ पे जाना है, अगर आपका रेगुलर है तो इस ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। तो हमें इसके बाद में वैलिडेट पर जाना है। वैलिडेट पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपका एक न्यू मैसेज आएगा, इसमें फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली एट दी पाथ, जहाँ पे आपने पाथ दिया है उस पाथ में 27 के साथ में FB फाइल और टेक्स्ट फाइल वहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि हमारी जो FB फाइल है और टेक्स्ट फाइल है वो हमारी यहाँ पे इस फोल्डर में सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने कैसे आपको TDS TCS की रिटर्न की फाइलिंग बताई RPU के वर्जन के साथ, कि कैसे आप कर सकते हैं वो भी फ्री कॉस्ट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, घर बैठे आप इस रिटर्न की फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।